हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अरुणा गौतम। मैं हूँ अरुणा और गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी और बादाम से बनी ये बर्फ़ी, जो कि बहुत ही झटपट बनके रेडी हो जाती है और आप इसे कभी भी किसी भी वक्त बना के खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दूध लिया है। दूध को हम अच्छे तरीके से उबाल लेंगे और इसमें मैंने थोड़ा सा केसर डाला है ताकि जिससे कलर थोड़ा अच्छा आए और खाने में भी उसका टेस्ट अच्छा आए। तो केसर मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, इससे एक्चुअली काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है। तो दूध को हम दूसरी गैस पर रख देते हैं और इस पैन पर हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़े से आमंड्स जो हैं उनको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। उसके बाद इन आमंड्स को ठंडा करके हम थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे, या आप कट भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो 4-5 मिनट तक हम इन ड्राई रोस्ट कर लेंगे और ऑलमोस्ट ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं तो मैं अलग से प्लेट में निकाल लेती हूँ इनको। और सेम पैन में अब मैं थोड़ा सा घी गरम करूँगी, जितनी भी स्वीट्स वगैरह हैं वो अगर हम घी में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं गाय का घी यूज़ कर रही हूँ। घी हमारा थोड़ा गर्म हो गया है और अब मैंने इसमें सूजी डाल दी है और सूजी को हमें बहुत अच्छे तरीके से भूनना है घी के साथ, जब तक एक अच्छी खुशबू ना आने लगे और हल्का सा इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो रेगुलर चलाते हुए हम सूजी को अच्छे से भून लेंगे और वहाँ पर दूध भी हमारा बॉईल हो रहा है। तो सूजी हमारी भुन चुकी है और दूध काफ़ी बॉईल हो चुका है। तो सूजी में अब हम सारा दूध डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही में मैं यहाँ पर शुगर भी डाल दूँगी, ये मैं देसी खांड का यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से मिला देंगे और जो आमंड्स थे, जो बादाम थे, वो भी अब हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से मैंने हल्का सा मिक्सी में इनको चर्न कर लिया है। तो सब कुछ जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पूरा कढ़ाई ना छोड़ने लगे, पूरा पैन ना छोड़ने लगे। और इसमें हल्का सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर ये सब कंबाइन होने लगा है। तो ये ऑलमोस्ट देखिए हो रहा है। तो हमारा मिक्सचर जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो गया है, ये देखिए। और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा के ऊपर बटर पेपर लगाया है। तो ये पूरा मिक्सचर जो है इस ट्रे में डाल देंगे। कोई भी थाली भी आप ले सकते हैं, अगर आपके पास इस तरह की ट्रे नहीं है तो थाली में भी आप इस बर्फ़ी को सेट कर सकते हैं। और अच्छे से हम इसको एक लेवल पर बना देंगे, लेवल का कर देंगे। और ऊपर से थोड़े से मैंने आमंड्स को इस तरह से कट कर लिया है और वो इसके ऊपर लगा देंगे। और अब हम इसको बिल्कुल सेट होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे, या आप इन्हें फ्रिज में भी रख सकते हैं। और यहाँ पर 1 घंटे के बाद हमारी बर्फ़ी जो है वो एकदम सेट हो गई है। तो अब हम इन्हें पीसीस में कट कर लेंगे, छोटे बड़े जैसे भी पीसेस में आप कट करना चाहें। और ये देखिए हमारी जो बर्फी है
वो बन के बिल्कुल तैयार हो गई है और ये बहुत ही बढ़िया बनी है। तो आप लोग भी ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, बहुत ही सिंपल है ये। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर, लाइक और कॉमेंट भी कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।